टाइम हो रहा है 12:05 और ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के जस्ट साथ में ही है ये 360 प्रोफेशनल यूनिसेक्स सैलून। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो चलो चलते हैं। ये दीपाली चौक आ गया, चलो चलते हैं। चलो मम्मी, हाँ ऊपर ही होगा। I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't... क्या तुझे पता है 9 तरीके की क्रीम लिप आप होती हुई है मेरे ऊपर? 9 तरीके की? हाँ। बुढ़ापे में? बुढ़ापे में तो ज्यादा जरूरत होती है लिप आप होती है, तुम्हारी उम्र में क्या जरूरत है? Guys, but then I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. रात के एक सेक रही अपना पनीर, एंड खाऊंगी पनीर सेक के क्योंकि बहुत भूख लग रही है। एंड पनीर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल होता है क्योंकि दीक्षा गोयल का फेवरेट है। कैसे गंदी जरा सेका है मैंने, अब नमक डाल के खाऊंगी। मॉर्निंग हो चुकी है, टाइम हो रहा है 11:30 एंड अपॉइंटमेंट थी 11 बजे की, बट लेट हो गई मैं तो 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो कराते हैं बोटॉक्स और ग्लोबल, एंड मुझे कल ट्रिप पे निकलना है तो मैंने उनको बोला था कि आज ही मेरा हेड वॉश हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि बालों का टेक्स्चर देख के वो बताएंगे, एंड साथ में प्रीति और राधिका दी ने भी बोला कि अगर तेरा अच्छा होगा तो बता दियो, हम भी करा लेंगे। तो देखते हैं कि कैसा रिजल्ट मिलता है। तो स्वीट मॉम को लेकर जा रही हूँ, फेशियल और पेडिक्योर मैनीक्योर करवाएंगे इनका। तो चलो चलते हैं, मैं हो चुकी हूँ। मेरे को फेशियल की क्या जरूरत है? जरूरत है मम्मी दीक्षा, बुढ़ापे में स्मार्ट दिखना इज वेरी इम्पोर्टेंट। बुढ़ा होगा तेरा बाप। चलो जल्दी, लेट हो गए। टाइम हो रहा है 12:05 और ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के जस्ट साथ में ही है ये 360 प्रोफेशनल यूनिसेक्स सैलून। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो चलो चलते हैं। ये दीपाली चौक आ गया, चलो चलते हैं। चलो मम्मी, हाँ ऊपर ही होगा। मेरे बालों का टेक्सचर देख के इन लोगों ने बता दिया कि आज ही हेड वॉश हो जाएगा, तो मैं कल ट्रिप पे जा सकती हूँ आज हेड वॉश करवा के। तो मैं रात को करवा लूँगी हेड वॉश, एंड शीट मॉम पीछे बैठी है। तो मैंने बता दिया कि मेरे को थोड़ा सा ग्लोबल में रेडिश शेड चाहिए, बहुत नेचुरल सा। तो भैया मुझे दिखा रहे हैं, तो देखते हैं और करवाते हैं। ये कर देखेगा ना? नहीं नहीं, ये तो नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये कर सकते हैं, थोड़ा नेचुरल। हां ये कर सकते हैं, विजिबल भी होगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। गाइस, स्वीट मॉम का हो रहा है फेशियल, तो फेशियल के लिए स्वीट मॉम जा रही है कपड़े चेंज करने, एंड साथ में मैनीक्योर एंड पेडिक्योर कराएंगी। तो जो भी होगा हम सारा आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं बहुत, मतलब मैंने लास्ट बोटॉक्स कराई थी अक्टूबर में, तो आप लोग वहाँ का एड्रेस मांग रहे थे तो मेरे को वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा, तो मैंने इस बार अपनी लोकेशन ही चेंज कर ली है। तो अब मैं आपको डिटेल्स बताऊँगी एक बार सारी चीज़ें होने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज और अब स्टार्ट होने वाला मेरा फेशियल। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ का फेशियल कैसे होता है। सो गाइस, आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा लेयर कट भी ले लूँ बालों में, तो भैया बोल रहे हैं कि वो लास्ट में करेंगे। मेरे को ऐसे बालों में लेयर्स बनती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। सो टाइम हो रहा है 12:10 में मेरा स्टार्ट हो चुका है। उस तरफ मम्मी का चल रहा है कहीं फेशियल, एंड मम्मी का जो फेशियल हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। हम बताएंगे कि स्वीट मॉम का कौन सा फेशियल उन पे सूट करेगा, तो आप मेरे को बताओ एक बार। ये पेन पैकिंग का फेशियल है, पपाया फेशियल है, आपको दिख रहा है पपाया फेशियल? अच्छा, ओके। तो मैन की स्किन है सेंसिटिव है, ठीक है, तो मैन की स्किन सेंसिटिव भी वर्क करेगा क्योंकि सेंसिटिव स्किन है, उनको कंट्रोल करेगा। और वैसे मैन की स्किन ग्लोइंग है, तो ये ग्लोइंग के ऊपर ही वर्क करेगा, ठीक है। बट उसके फेस पे बहुत अच्छा जाएगा, ऊपर पोर्स नहीं है, तो ये उसके लिए वर्क करेगा ये मैम के फेस पे, ठीक है। तो फिर आप ये वाला सजेस्ट कर रहे हो मैम के लिए? बाकी वो बताएंगे आपको और आपको तुरंत रिजल्ट दिखेगा, फिर वो आपको बताएंगे। ठीक है, डन, ठीक है। वैसे हमारे किसी मतलब नोन का है, जैसे मतलब मम्मी की फ्रेंड है, उनके किसी रिलेटिव ने खोला था। तो अलका मौसी ने भी यहीं से बोटॉक्स कराया, आपने वो उस वाली वीडियो में देखा होगा जो अलका मौसी के यहाँ पे सुंदरकांड हुआ है, उस वाली वीडियो में अलका मौसी ने जो बाल उनके स्ट्रेट लग रहे हैं तो उन्होंने वो यहीं से कराए हैं। हेड वॉश अभी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले हेड वॉश तो होगा, रिक्वायर्ड होगा, कर दो दो दिन, दो या 3 दिन पहले किया। मैं स्कूटी पे भी बहुत घूमती हूँ।
पानी गर्म कैसे रखना? जैसा मर्जी। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? गाइस मेरे बालों की क्रिम्पिंग नहीं जा रही है पिछले एक साल से, तो मैं भैया से पूछ रही थी कि क्या करूं मैं, आ जाएगी तो मैंने बेसिकली प्रिया की शादी में और देव की शादी में जब कराए थे बाल अपने, तो क्रिम्पिंग कराई थी मैंने लास्ट ईयर, तो दोनों बारी क्रिम्पिंग हुई थी, फेब में भी और मार्च में भी। तब से मेरी क्रिम्पिंग ही नहीं जा रही है, तो मैं भैया से डिस्कस कर रही थी कि भैया क्या करूं मैं क्रिम्पिंग के लिए। ठीक है, देखते हैं। मैंने लास्ट टाइम बोटॉक्स कराया था तब तो नहीं हटी थी, बट अब देखते हैं। मेरे को पहले बताओ, अब ये वाले बालों में कलर नहीं लगाओगे क्या? ऑलरेडी ना आपने इस बालों में कलर करवा रखा है। जितना पोर्शन में मैंने आपको कलर यूज किया है वो सारा वर्जन ही है। अच्छा, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है उसको। मैंने 30 लेवल पे डिपॉजिट किया कलर को, यहाँ तक शेड लेके आएंगे फिर इसके अंदर दोनों इक्वल टोन। अच्छा, पहले इक्वल करके फिर। ठीक है, ओके, मेरा अब सेकंड लेयर शुरू हो गई है कलर की, जो कि नीचे नीचे लग रहा है। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life. Guys, मेरे को मिली है चाय, तो enjoy करते हैं अपनी चाय। With my job cash in for a ticket, I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Aapne sach mein beta bahut acha paint kiya. Thank you. Mera aaya mere kaise life mein maine aisa picture enjoy nahi kiya hoga. Sahi mein मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही, वीडियो के लिए सच बोल रही हूँ। चलो नाइस यार, चमक रहे हो ऐसे आप। मम्मी फेशियल सच में बहुत अच्छा, चमक रहे हो ऐसे आप। नहीं, इन्होंने भैया करा भी बहुत अच्छा है फेशियल, इनके जो स्टेप्स है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत रिलैक्सिंग है। मतलब मैं नेक्स्ट टाइम फेशियल यहीं से कराऊं। 5-6 बजे सो गई मुझे लग रहा है, 3 दिन से पता है। अरे आपका फेस भी बहुत शाइन कर रहा है मम्मी। सोई नहीं थी, चलो नाइस। जैसे मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी मेरी लाइफ चेंज हो गई। आप मेरी पुराना कल कितनी दूर किसी से पूछोगे ना, मैं किसी से भी बात करती हूँ, बस जैसे जाती हूँ ऐसे करके आ रही थी। सिस्टर के थ्रू बन गई मेरी बेटी, मेरी सिस्टर आगे रहती है। अच्छा,
तो सब उसको बोलते थे लेकिन बोलती नहीं है। अब मैं चुप नहीं होती, अब सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, सब चुप रहते हैं। मेरे तो कहते हैं तू लाइफ बदल गई बोलने से, बहुत चेंज आया मेरी लाइफ में, मतलब हमारी जेनुइनली हम लोगों की बहुत चेंज हुई, सोशल लाइफ तक काफी बढ़ गया वो सर्कल की, नहीं वैसे भी बहुत बड़ा है, पर्सनली लाइफ भी बहुत चेंज हुई है, फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत चेंज हुई है, बहुत स्ट्रगल किया मतलब बिजनेस के पर्पस से, मतलब इसलिए हमने मजबूरी में स्टार्ट की थी, मैं बता रही थी अभी मैम को बता रही थी, लेकिन हाँ हम बेसिकली एक मजबूरी से एक एप्लीकेशन पे आए थे, बट हमें कब फेम मिल गया हमें पता ही नहीं चला, उससे हम फेमस हो गए, मेरी वीडियो वायरल हो गई थी उस पे, चाइनीज ऐप की वो जब ये पीछे कोरोना आया बंद हो गई है, तब तो हमारी मतलब जब पैरों के नीचे जमीन मिल गई क्योंकि वही एक कमाई का जरिया था, अब क्या होगा, बहुत चीजें चेंज हुई, सब्सक्राइबर्स तो उन्होंने आप यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे फिर थोड़ा हेजिटेशन था, यूट्यूब पे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, थोड़ा हमारे बंदियों में जैसे, बट बोला भी हम लोगों ने, बहुत रिश्तेदारों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, बहुत चीजें हुई, हाँ तुम्हारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी, तुम लोग वीडियोस बनाते हो, मतलब बहुत चीजें हुई, हमें ले लेना वीडियो में हाँ राइट, जबकि मैं रिश्तेदार लेते थे मैं कैमरे किसी को नहीं देती थी, क्योंकि किसी को ऑपरेशन हो हमारे थोड़े बंदियों में है, लेकिन अब वो लोग खुद कहते हैं अरे हमें तो लिया ही, वो आ गई कहाँ तेरा कैमरा, ये हो गया चेंज, बहुत चेंज, अब कमेंट भी आते हैं लोगों के कि आपके रिश्तेदार पहले भी ऐसे ही थे, पहले नहीं पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए, तो ये रियलिटी है, मैं सच में मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं इतने घूंघट में रहने वाली थी, सूट्स भी मैंने 4 साल पहले शुरू किया, पहले मेरा मायका यूपी का, वैसे तो हमने सर को फ्रेंड बना लिया, मैं ब्लॉग में बता रही हूँ, सर को फ्रेंड बना लिया, हम लोग जो है मतलब मैं मेरा दिल्ली का है, जमुना पार गांधी नगर, अच्छा मेरा कर दो, हां करो स्टार्ट, मम्मी की देखिए नोटों में आग लगाने लग रही है बैठ करके, बस करा लिए दीक्षा फिर बाल, बस ट्रिप पे जा रही है तो ट्रिप का खर्चा निकालते हैं ये ऐसे बर्बादी मचाते हैं पैसे की, कहाँ कराए नेल्स, ले मेरे नेल्स पर नजर लगा दीजिए कैसे बेकार हो गए, किट्टी में गई पिछली बार, किट्टी में बिना नेल्स के ही गई थी मैं, अच्छा वीडियो देख लियो मेरे नेल्स फ्रेंड्स, बिना नेल्स के गई थी, वीडियो देख लेना आपको नजर आ जाएंगे मतलब नेल्स पूरी मेरी किट्टी में, ब्रगेंडी अच्छा लग रहा है, जरा कलर बहुत अच्छा लग रहा है, रेड कलर है भाई, मैं तो कभी करवाऊंगी तो बर्गेंडी कराऊंगी, मेरा बड़ा मन है बर्गेंडी कलर कराने का, हाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा, ओह तो अपने वो शैम्पू कंडीशनर छोड़ के जाएगी सब कुछ, तेरी सहेलियां निपटा देंगी सारे के सारे, भैया ने ला के दिए चाय, तो चलिए चाय फटाफट से एंजॉय कर लेते हैं, दीक्षा तुझे दूसरी भी मिल गई, यहाँ भी पहली है, एंजॉय कर लेते हैं, टी मिली है यहाँ पे टी, इनको भी पता चल गया होगा कि मैम चाय के दीवाने हैं, अब ये वीडियो देखेंगे ना हमारी, पता मैंने सॉन्ग बनाया हुआ है, चाय 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 तू भी क्या चीज है, एक बार पीऊं तुझे लगता क्यों मुझे, बार बार पीऊं तुझे चाय 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 चाय। सो गाइस अब मेरा हो रहा है बोटॉक्स अप्लाई एंड साथ में मैं पी रही हूं दूसरी चाय, स्वीट मोम बैठ गई, सब्सक्राइबर बोल रही थी क्या ही, मेरी बेटी तो जब भी चाय पी रही है राखी के गाने के सारे पकड़ा रही है, क्या ही उस पे तेरा सदा का गाना, ये लग रही है हमारे नोटों में आग, दीक्षा तू खूब दे ले नोटों में आग, कही जाती है पहले लग जाती है नोटों में आग देने के लिए, ये कराए हैं लाल लाल बाल, चाला ही पढ़ रखा है छोरी ने लाल लाल बाल करा के। सो गाइस मेरी बोटॉक्स सेट हो गई है, मतलब 25 से 30 मिनट ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ेंगे और फिर स्ट्रेट करके मुझे विदा कर देंगे, टाइम हो रहा है 3 एंड आज मैं सोचूं एरोबिक्स ना जाऊं एंड घर जाकर थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग का देख के सॉर्ट करूं, कराने तो नेल्स भी थे पर पता नहीं वो कलर लग गया मेरे, मैं अपने बालों को बहुत छेड़ती हूँ तो नेल्स देखती हूँ कराऊंगी या नहीं, मम्मी वीडियो में भी चमक रहे हो सच्ची में, आपने कितने पैसे लगाए हैं 2800, मैंने कम नहीं लगाए हैं 2800 और मैंने सिर्फ
मेरे रुपए देख लिया कि अपने नहीं देख इतने सारे लगाए हैं। मैंने सिर्फ 9,000 लगाए हैं बस, बता। और मेरे सिर्फ 2,800 का दिए तू, चलो यहां की तरफ। 2,800 के बाद जो आप मैनीक्योर पेडीक्योर करा रहे हो, हां तो क्योंकि तेरे 9,000 जितने तो नहीं होंगे। फिर भी मम्मी, फिर भी और ट्रिप पे जाने के पैसे रखने के लिए मैं जा रही हूं। गाइस मम्मी को मतलब अभी तक का लाइफ टाइम का बेस्ट फेशियल लगा है, मतलब मम्मी कह रही है पैरों तक भी मसाज हुई है ना, फुल बॉडी मतलब मसाज की है उन्होंने, मैम ने जिन मैम ने किया है, मतलब 2,800 आपके वर्थ थे। अब पता क्या होगा, मैं बताती हूँ, अब मम्मी घर जाएगी, इसने मौसी को फोन करेंगी, फिर मौसी को सब बहन बहुत बढ़िया फेशियल था, है ना, है ना। मेरी बहन उसको बताऊंगी, अब मम्मी सब जगह गाएंगी, बहन बहुत बढ़िया फेशियल था, बहन बहुत बढ़िया मैनीक्योर पेडीक्योर था, फिर मौसी को लेके आएंगी मम्मी। तुझे पता 9 तरीके की क्रीम लिप पॉटी हुई है मेरे ऊपर, 9 तरीके की बुढ़ापे में, बुढ़ापे में तो ज्यादा जरूरत होती है लिप पॉटी की, तुम्हारी उम्र में क्या जरूरत है। गाइस 50 की उम्र में मम्मी 9 तरह की तो क्रीम लगवा रही है, बताओ ग्लो करेगा नहीं करेगा चेहरा, ऑब्वियसली करेगा, जरूरी नहीं है चेहरा भी होना चाहिए ग्लो करने वाला। हाँ बात तो ठीक है, हम यहाँ बताओ क्लीन अप भी नहीं कराते हैं तो हमारा कैसे करेगा ग्लो, स्वीट मॉम का तो करेगा ही। मम्मी टाइम देखो 3 बज गए हैं, जो गुआशा वाले स्टेप थे ना, हाँ वो थे सारे। अच्छा मुझे तो बड़े अच्छे लगे वो गुआशा वाले स्टेप, तो बहुत ही बढ़िया लगे। बस एक बार हो गया अब आपका फेशियल, अब बार बार नहीं होएगा, अब सीधे 4 महीने तक छुट्टी। नहीं अच्छा हर महीने 2,500, एक ये सैलून हम ही खोल लेते हैं ना, ऐसी एक चाय गरम खोल लेते हैं, ऐसी एक ये खोल लेते हैं 360। मैं तो नहीं लेके आऊंगी आपको रोज रोज दीपाली चौक, आपका कोई आस पास सब्सक्राइबर रहते तो बोल देना ले जाए छोड़ जाए, इतना काम मेरे to play to claim a brand new name, oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up.